शाहजहांपुर से खबर, जहां पर गांव का विकास करने में फेल ग्राम प्रधान। विद्यावती गांव में विकास के नाम पर लोगों से छलावा हो रहा है। गांव के प्रधान पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। शौचालय और आवास के नाम पर धोखा देने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने प्रधान के बेटे पर भी दबंगई के आरोप लगाए हैं। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गांव के प्रधान पर ग्रामीणों ने कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। जो शौचालय और आवास को लेकर योजनाएं चली थी उसको लेकर भी ग्रामीणों को धोखा दिया गया। साथ ही ग्रामीणों ने प्रधान के बेटे पर भी दबंगई के आरोप लगाए हैं। तो गाँव का विकास करने में फेल है ग्राम प्रधान विद्यावती, और साथ ही ग्राम प्रधान के बेटे पर भी दबंगई का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। तो गांव में विकास के नाम पर लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ये गांव की तस्वीरें शाहजहांपुर से, जहां पर शौचालय और आवास के नाम पर सिर्फ लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। तो गांव के विकास की बात तो दूर, यहां पर सड़कें तक पानी तक की भी व्यवस्था ग्रामीणों के लिए नहीं की गई। कहाँ रहते हैं आप? अख्तियार नगर। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? गंगा स्नान करने। अच्छा, फिर क्या हुआ, काहे पे थे आप लोग? हम मैं ट्रैक्टर पे ट्रॉली पे था, ठीक है, पीछे से आया ट्रक, उन्होंने जो है नींद में था पता नहीं क्या, तो आगे देख सकते पीछे थोड़ी थी, पीछे से हमारी टक्कर। तो ट्रॉली पलट गई, ट्रॉली लौट गई थी, भी लौट गई थी, हो गई थी, पलटी नहीं थी, पलटने पे तो हादसा तगड़ा होता है। कितने लोग थे ट्रॉली थे? 35 लोग। शाहजहांपुर के मदनापुर ब्लॉक में मैं आज पहुंचा हूं, जो चनेरा बहादुरपुर गांव का एक मजरा है, खेड़ा बहादुरपुर। और मैं उस गांव में, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रधान के ऊपर आरोप लगाया है कि ना उनको शौचालय दिया गया ना आवास। लेकिन साफ तौर से जो यहां पर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो जिन्होंने अपनी बात न्यूज़ वन इंडिया के सामने रखी है और बहुत कुछ उन्होंने कहा है कि प्रधान दबंग हैं और दबंगई के कारण लोग उनसे कुछ मांगने के लिए उनके दरवाजे पर नहीं जाते हैं। हालांकि बहुत आरोप प्रधान के ऊपर यहां पर लगेंगे। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति के मामले में इस गांव को सांसद ने खुद गोद लिया है, लेकिन सांसद के गोद लेने के बाद भी इस गांव में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शून्य मिला है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर जानेंगे कि यहाँ पर क्या दर्द है उनका, क्या परेशानी है उनकी। ये बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? हमें भैया बहुत दिक्कतें आ रही है, ऐसे कमरा मरा है, जो लैटरिन कुछ नहीं मिलती है। अब प्रधान जी हैं तो अपने आप अपने अपने देखते हैं और दूसरे बंदे को देखते हैं। प्रधान के पास आप गई तो प्रधान ने क्या कहा? प्रधान जी जा कह रहे बन जाई आप, बन जाई। ये आश्वासन कब से मिल रहा है आपको? आप जो 5-7 महीना हुई गए। अच्छा, ये बताओ आपकी समस्या क्या है? क्या करें, क्या हमें तो मिलता नहीं है। राशन कार्ड बनवाया, बहू का काट दिया, हमें 2 माह मिला तो बहू काट दिया, क्या करें। प्रधान ने आवास नहीं दिया आपको? विकलांग हैं आप? ना, कुछ नहीं दे, कहीं जाते हैं तो भजा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर सबसे बड़ी प्रधान की यहाँ पर लापरवाही जो है, पूरे 5 वर्ष निकल गए हैं। अब 5 वर्ष के बाद ये शायद चुनाव आने वाला है, चुनाव को लेकर सिर्फ प्रधान जो है आश्वासन, अभी भी आश्वासन दे रहे हैं। ये बताओ गांव में कितना विकास कराया प्रधान जी ने? मेरे लिए कुछ नहीं किया सर। हमारे लिए कुछ नहीं किया? गांव में कुछ किया है? गांव में किया गया, ये गली डाली। अपने लोगों के लिए किया है, फिर किसके लिए किया? अपने लोगों के लिए किया, जो कुछ किया है बस। तो ये किसके लिए क्या बताइए, आप बताइए? अपने लिए करो साहब, अपने लिए। अपने लिए किया? अपने लिए। जनता के लिए कुछ किया है? जनता के लिए हमको तो लैटरिन भी नहीं दी। नहीं दी? नहीं दी। क्यों नहीं दी? दिए नहीं, 2 माह कागज मंगवाया, आधार मंगवाया, खाता नंबर मंगवाया, कुछ नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए जो आरोप लगाए हैं लोगों ने, वो आरोप किस तरह से, क्या कहते हैं? विरोधी पार्टी। हाँ, समझ ले लो, विरोधी पार्टी है। हाँ, बे हमारी ओर से देखा हर एक बात बाकत तक। हाँ, खाली बेटा हमारे दुए दो माँ प्रधानी भाई मेरे घर में आई, पूरा गांव बुझ लो जो विरोधी पार्टी है। 24 घंटा हम पे एप्लीकेशन लगाओ तो, और 24 घंटा हमको ना थे रात 24 घंटा। तो कितना पैसा आया है आपकी प्रधानी में और कितना खर्च? पैसा की ऐसी बात है, जो चंत फितने हमारे लड़का बड़े हैं बिनसे बूझो, हम तो मीटिंग एंट्री को होते हैं तब जाते हैं, तो हम इसकी जनबा ना लेते। ये बताओ कि तुम्हारे गांव में प्रधान ने क्या क्या काम कराया? हमारे लिए भैया कुछ काम ना कराओ, ना हमारे लिए राशन मिला था, ना हमें कोई सरकारी कोई चीज़ भी नहीं मिली। सबको 60 साल मिलते हैं, वो भी नहीं मिला, लेटरिन भी नहीं मिली। बताओ क्या सुविधा, ना कोई सरकारी कमरा आए, ना कुछ व्यवस्था आए।
हम ही का सब लोगों से ज्यादा लखपति है। माने 6-5 बीघा 3-4 बीघा खेत, उसमें भी कभी 100-100 बीघा वाले को राशन मिलती है। गरीब बंदों के लिए 10-10 ग्राम राशन भी ना काफी साथ दिया है। लेटरिन भी दी है और नल भी दे दिया है और सड़क थी सड़क भी डलवा दी है। कौन सा दिया है? हैंडपंप दिया है। कौन सा बना? जी सरकारी। कितना हैंडपंप बन गया, क्या कुछ रह गया अभी इसमें? खाली वो बोरिंग वोरिंग हो गई, खाली पाइप रह गई, बोरिंग मशीन रह गई लगाने के लिए। कौन सी मशीन देंगे? कुछ बड़ी बड़ी वाली मशीन देंगे जैसी रोड अप लगी हुई। जी जी, वो मैं मांग की घर के अंदर लगा सकते हैं। लगा सकते हैं।